जैसा कि पीएम ने पत्थर की रस्म समारोह के लिए राम मंदिर स्थल का दौरा करने की योजना बनाई है, कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं द्वारा आलोचना शुरू हो गई है। पवित्र जल के लिए शिवसेना और डोगरा फ्रंट द्वारा आयोजित एक समारोह में और पवित्र तीर्थ स्थल में मिट्टी एकत्रित होने के कारण पूजन में अन्य समुदाय के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक मजबूत संदेश दिया। प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। मुसलमान मिल करके इस पवित्र मिट्टी को जो लद्दाख से आई, कश्मीर से आई, उधमपुर से आई, अखनूर से आई, कटरा से आई, इसको ले जाने का प्रयास करना चाहते हैं। आज मिल करके मनाने की बातें की जा रही हैं। आज संदेश पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर और जम्मू से दिया जा रहा है, हम सब एक हैं, मंदिर हमारा आराध्य है, भगवान राम सबके पूर्वज हैं, इसलिए उनका मंदिर जो प्रधानमंत्री ने कहा मैं आकर के वहाँ शुभ हाथों से शिलान्यास करूँगा, उनका धन्यवाद। एक वो भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया था, सरदार पटेल जी की याद बड़ी आ रही है, सरदार पटेल जी बार बार याद आने का प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए आज मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके इस यात्रा को संचालन कर रहे हैं और ये यात्रा आगे अयोध्या तक जाएगी और ये मिट्टी और ये जल वहाँ जा करके सम्मिलित होगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके इसका निर्माण करने वाले हैं। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है।